खबर उन्ना उत्तर प्रदेश से है। युवा समाज सेवी हाफिज वकार आलम ने नगर पंचायत में लगवाया मुक्त आंखों का कैंप। जानकारी के अनुसार बता दें कि नगर पंचायत कुर्सठ निवासी समाज सेवी ने बता दें कि नगर पंचायत कुर्सठ में लखनऊ के कुशल आंखों के डॉक्टर द्वारा अपने नगर पंचायत में एक स्तर पर मुफ्त आंखों का चेकअप कैंप लगवाया। कई सैकड़े ग्रामीण ने अपनी आंखों की जांच करवाई और जांच के उपरांत जिन व्यक्तियों को चश्मे की आवश्यकता थी उनको मुफ्त चश्मे भी वितरित किए गए तथा जिन लोगों की आंखें की दवाई की आवश्यकता थी उन्हें मुफ्त आंखों की दवाई भी वितरित की। इस मौके पर समाज सेवी हाफिज वकार आलम ने कहा कि समाज सेवा करना ही उनका मुख्य उद्देश्य है। गरीब बेसहार लोगों की सेवा करना ही उनका मकसद है। टाइम वी के न्यूज चैनल के लिए मोहम्मद इरफान खान बागरमा उन्नाव। आपका क्या नाम है और कहाँ के निवासी हैं और ये कार्यक्रम आपने किस सोच से किया है? मेरा नाम वकार आलम है, मैं कुर्सठ का निवासी हूँ और मैंने ये गरीबों के हितों के लिए ये प्रोग्राम किया है ताकि ये गरीबों का थोड़ा फायदा हो और जो लोग अभी तक आंखों से परेशान हैं उनके पास पैसा नहीं है या बहुत सारे कार्य नहीं कर पा रहे हैं पैसे की वजह से गरीबी की वजह से वो सारे हम लोग निःशुल्क कर रहे हैं ताकि जनता का कुर्सठ की जनता का लाभ हो और इससे फायदा पहुंचा सके। ये स्वास्थ्य शिविर में किन किन चीज़ों का परीक्षण किया जा रहा है, कौन कौन सी मर्जों का जो है डॉक्टरों द्वारा? आंखों की जितनी भी मर्जें हैं, आंखों से रिलेटेड जो भी मर्ज है सारे डॉक्टर साहब सबका इलाज कर रहे हैं जो आज हो जाएंगे और जिनको आंखों का ऑपरेशन वगैरह होना है आगे वो ऑपरेशन भी किया जाएगा। चश्मे वगैरह जिनको दिक्कत है चश्मे भी लगाए जाएंगे। सारी सेवाएँ यहाँ पर हैं और आगे जारी रहेंगी। जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।